कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा कि सेना को तैयार होने में 6 से 7 महीने लगेंगे जबकि संघ के स्वयं सेवकों को तैयार होने में 2 से 3 महीने ही लगेंगे। राहुल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उन लोगों का अपमान है जो देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, ये हमारे तिरंगे का भी अपमान है क्योंकि हमारे सैनिक इसको सैल्यूट करते हैं। सेना और शहीदों का अपमान करने पर श्री भागवत जी आपको शर्म आनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी निंदा की है और कहा कि अगर ये बयान किसी दूसरी पार्टी के नेता ने दिया होता तो भाजपा ही उसे अब तक पाकिस्तान भेज देते और मीडिया तो फांसी की सजा की मांग कर देता। लेकिन बात भागवत की है, विपक्षियों की ओर से भागवत के बयान की निंदा होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि फिलहाल उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर इसे देखा है, डिटेल के बाद वो इस पर प्रतिक्रिया देंगे। वहीं आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर संघ की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं दी गई है।